वेलकम टू आवर चैनल बुबली व्लॉग्स। मैं हूं मुस्कान। मैं हूं एमन। दोस्तों आज एंग्री प्राश की वीडियो इंडियन आइटम सीजन 2 पर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। और ये वीडियो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रेकमेंड की थी। उसने मुझे बताया था कि ये वीडियो बहुत फनी है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सीजन 2 में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसे इंडिया का हर बाप रात को 8 बजे लगा के बैठ जाता है और बेचारे बच्चों को पीयर प्रेशर में देखना पड़ता है। भले बाप की आवाज बकासुर जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक कॉन्टेस्टेंट को ऐसा जज करेगा जैसे पड़ोस वाले आंटी दूसरों के बच्चों को जज करती है। वैसे ही आपको हमारे शो पे मिलेंगे वही सड़े पुराने जजेस, मशहूर फनकार मिस्टर प्राश, जिन्हें सिंगिंग में ऑस्कर मिला है। अभी ये ऑस्कर क्या है, अगले साल में ओलंपिक मेडल लेके आएगा। दूसरा जज है हमारा नेहा कुकर, जिनके नाम से 50 बाल्टियां आंसुओं से भरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टीआरपी की कसम, इस साल में 100 बाल्टियां भर के जाऊंगी। ये शुरू नहीं हुआ अभी तक, पता कर। और तीसरे है हमारे मशहूर शायर, जिनकी शायरियां सुनने वाले कान से घायल। कहां से? कान मिस्टर नागेश नगे। कान से घायल, पता नहीं ऑडियंस का आवाज कहां से आ रहा है, लगता है मेरे को ज्यादा चढ़ गई है। एक मिनट में मुद के आता है। तो चलो अपन यहां से कल्टी मारते हैं और बुलाते हैं अपने फर्स्ट कंटेस्टेंट को। आइए आइए, आपका नाम? You know who the fuck it is, huh? इसलिए तो नाम पूछा। Divide, huh? अच्छा, divide. गली गैंग, huh? अबे तू एक नाम डिसाइड करना। तुम लोग चिल करेंगे, अपुन ड्रिल करेंगे, huh? अच्छा कारपेंटर, तेरे को तो घर पे बुलाया था, इधर क्या कर रहा है? अच्छे से बात कर। छोटे अच्छे से बात कर। ए, तेरे को बुला रहा है क्या? लगता है किसी को पेट में 14 इंजेक्शन लगने वाले। नेक्स्ट। अरे आप तो लास्ट टाइम भी आए थे। जी नहीं, क्या झूठ बोल रहा है, तूने तो लास्ट टाइम गाया था। तेरा प्यार हुक्का बार, इसका प्यार पान टपरी। एक्सक्यूज मी, तू गेम पे ध्यान देना। ए हेलो, मैं गेम नहीं खेल रही हूं, मेरा असाइनमेंट भेज रही हूं। शो के बीच में कौन सा असाइनमेंट भेज रही है? अरे वैसे भी ये शो वाले तो पैसा नहीं देते, कोई पिक्चर में भी काम नहीं दे रहा आजकल, तो मैं आपके लिए बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूं। वो कैसे? इसमें ना आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे डेटा साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट। आप किसी भी कोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जब स्पेशलाइजेशन हो, राइट, फ्यूचर होगा ब्राइट। चलो खोपड़ी में अंकल, मेरे को लगा सिर्फ भूसा भरा होगा। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं, चिकन टिक्का शुरू हो जाए। चिकन टिक्का? दिल मेरा जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता भी ना था, जुड़ने से बाहर कहीं सिग्नल भी ना था, तो वाईफाई राउटर बिठा देता। ऐसा लिरिक्स आता कहाँ से आपको? दिल डिश एंटीना है, कल बोलेगा मेरा कुर्ता रेडियो है, फेफड़े होम थिएटर है। किसी बायोलॉजी के प्रोफेसर ने देख लिया तो तेरी चमड़ी निकाल के बचे हुए कंकाल को अपनी लैब में उल्टा टांग देगा वो। कुर्ता रेडियो, फेफड़ा होम थिएटर, अरे वाह सर, क्या क्रेजी लिरिक्स दिया आपने मेरे नेक्स्ट गाने के लिए। हम गालियां भी क्रेजी देते, खाओगे? अच्छा क्या सुनाओगे? ओके, हम माना तू है सिख, जहाँ से होना चाहिए वही से है तू दिख, ना नजरों में आ ना मुझे को तू दिख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा, तू ले कहीं पे लिख। अच्छा है, अभी इसको गा के सुनाइए। सर ऐसे ही होता है। और मैं जानती हूँ उसको बहुत व्यूज आते हैं। हाँ मेरे पास भी कुछ आर्टिकल पड़े हैं इसके व्यूज के। अरे सर आप भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, जा रहे हो ना मैं। चलो नेक्स्ट। यो सिंग अ सॉन्ग वरना को। जी सर गाता हूँ ना, मेरे नोटी सही आ जी जी जी। क्यों पीते हो इतनी नी नी, क्योंकि तू है चिक चिक नी नी नी। नॉटी और चिकनी तक ठीक है, पीने के बारे में कुछ नहीं बोलना। सर आपको नहीं बोला गाने का लिरिक्स है। और अगर चिकनी ना हो तो सोबर मरेगा सैया जी। क्या? कुछ नहीं, तू कोई और गाना सुना ना। ओके सर। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आज मैं वो मछली खा जाऊंगा जिसका नाम सानी है। सानी है? तुझे आई तक हो? यू? आपको जानवरों पे अन्याय करने में शर्म नहीं आती? और ये सानी नाम की डिश किधर मिलती, मेरे को भी खानी है। अर्ज किया है इरशाद, सोचा तेरे पे दया करो, लेकिन तू तो जेठालाल की पपीता निकली। वाह, तेरा रैप तो दूसरी कक्षा के बच्चों की कविता निकली। यो, मैं और एक गाना गाना चाहूंगा। मैं बजाता है ना वॉल्यूम 1 पे? नहीं सर, जा रहा हूँ ना मैं। नेक्स्ट। अरे आप तो वही हो ना, कंकड़ पत्थर। ए, मेरा भाई है वो, टोनी कुकर। टोनी कुकर? जी, ये मेरी हेयर स्टाइल है। अच्छा सुनाओ, क्या सुनाओगे? टी माइनर। ये ले। नहीं तो ये क्या है, ऐसा तो कोई भी गा सकता है। गटर का पानी काला काला।
तो पानी पीला पीला। सर और एक सुनोगे? बाप बेबी तेरी पुट्टी 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 पुट्टी। ये तेरा भाई लैग हो गया इतनी लंबी पुट्टी शेक हो गया। हाँ सर। अबे तू गाना गा रहा है चुतिया बना रहा है? वो वॉशिंग पाउडर के एड में भी इससे ज्यादा लिरिक्स होते हैं। नेहा जी ये का बवासीर लाए हो शो पे? आपने मेरे भाई को सिलेक्ट नहीं किया तो मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। 50 रुपए बच जाएंगे हमारे, 150 में तो श्रेया का घोसला आ जाता है। इसकी माँ का घोसला जाओ। नहीं नहीं सीजन खत्म करूंगी मैं। अरे यार एक करो ना, करो ना। क्या सिलेक्ट करो ना इसको। नेहा जी इस शो पे हम नेपोलियन की चलने नहीं देंगे भाई। नेपोटिज्म हाँ जो भी है। ये तू क्या देख रहा है, निकल यहाँ से। नेक्स्ट आपका नाम सैमी। ये सुकड़ू क्या गाना गाएगा? जैसा ते सोचे है वैसा तो नहीं मेरा भाई। मेरा गाना कर रहा फुल कड़क होए भाई। चंपार पारो में फर्क होए भाई और शिमला का वादी में बर्फ होए भाई। तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा हमसे, मिलेगा झमेला मिलेगा अपना ठेला मिलेगा मिलेगी अपना गोदी में आर पार देगा। मेरा बस्ती का लड़का लोग आड़ फाड़ देगा तेरा जोटी को अच्छा से आड़ झाड़। रुक 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 फैमिली शो है मेरे भाई। क्या गाना गाया है एकदम छाती में घुसा, छाती में ना किया अपनी शायरी पे घमंड। तेरे गाने का हर एक शब्द जैसे डायमंड। मैं तेरा इंडिया तू मेरा साइमन। साइमन गो बैक। क्यों मैं छी क्या गंदा गाना था। चुप रहे मेरे तो आंखों में आंसू आ गए आंसू। कितने प्यारे लिरिक्स थे गाने के। तेरे अब्बा की लुंगी में केला मिलेगा आजकल किधर दिखाई देती है ऐसी सच्चाई गानों में। तू सिलेक्ट है मेरे भाई सीधा ग्रैंड फिनाले। ए कैसे सिलेक्ट है मेरे को नहीं पसंद आया। भाड़ में जाना 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 जाना। जा रही हूं मैं शो छोड़ के अपना बिजनेस करने। मेरे किशोर कुमार जैसे आवाज वाले भाई को भी सिलेक्ट नहीं किया आप लोगों ने। सर आप टेंशन मत लो आप तो सिलेक्ट हो। ग्रैंड फिनाले आओ सीधा। 6 months later आता मैं कुटा भीख मांगू। अबे तेरे वजह से तो वो नेहा कुकर भाग गई, उसके साथ टीआरपी भी भाग गई, टीआरपी के साथ हमारे स्पॉन्सर भी भाग गए और उसके साथ हमारे किस्मत भी मिडल फिंगर दिखा के भाग गई। वो पापा की लुंगी को ग्रैंड फिनाले में भेजने की क्या जरूरत थी? उसके वजह से वो बुड्ढे लोग आके स्टूडियो तोड़ के गए। अच्छा हुआ हम लोग भाग गए नहीं तो हमें तोड़ देते। कुकर का फोन। हेलो कुकर का तुम्हारा शो। अबे काहे का शो, स्पॉन्सर भाग गए रोज झाड़ू मारने आते हम लोग इधर। मैं करती हूं ना तुम्हारा शो स्पॉन्सर। अबे 200 रुपए में शो स्पॉन्सर नहीं होता। अबे मैंने आपके घर पे अपना बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स खत्म करके आज मल्टीनेशनल मार्केटिंग की सीईओ बन चुकी हूँ। फकीरो ऑफर लेने तो लो वरना भाड़ में जाओ। हाँ चाहिए चाहिए। ऑफर क्या है? 150 रुपए दूंगी महीने का और टोनी कुकर फिनाले में जितना चाहिए। मैं उसे 200 दूंगा उसको किसी कुएं में क्यों नहीं ढकेल देती तू? एक्सक्यूज मी तुझे आई सही एक्सक्यूज मी। मैं रास्ते में भीख मांगूंगा लेकिन ये शो कभी नेपोलियन के हाथों बिकने नहीं दूंगा। भाई नेपोलियन नहीं, तुझे नेपोलियन की चापलूसी करने किसने बोला है? काम करना अपना। नागू आपका का लिंक पेज। अगर आपको ये शो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नागू तो सब्सक्राइब ठोको। अगर आपको हमारी तरह बेरोजगार नहीं बनना है तो अपग्रेड पे अपने चॉइस के किसी कोर्स में